इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और कई सारे दिहाड़ी मजदूरों को उस गांव से निकाला जाता है। हमारे पीछे कई सारे यहां पर मजदूर हैं जो गोवा से पैदल चलते हुए वो बेलगाम शहर पहुंचे हैं और बेलगाम से आगे जाने के लिए उनके लिए कोई ज़राए मौजूद नहीं है। वो हुकूमत से बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सहूलतें मुहैया कराएं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि वो गोवा से चलते हुए बीजापुर की तरफ जा रहे हैं और बेलगाम शहर के यहाँ बालीकुंदरी के यहाँ पर वो मौजूद हैं। यहाँ पूरे यहाँ पर देख सकते हैं पीछे जो ये तमाम मजदूर हैं जिन्हें गोवा से निकाला गया, लेकिन हुकूमत से बार बार इल्तजा कर रहे हैं कि हमारा वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, उनका बंदोबस्त किया जाए। जो वो ये सफ़र जो पैदल वो तय करते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपको गोवा से यहाँ तक आने में कितनी परेशानी हुई और आप क्या हुकूमत से उम्मीद करते हैं? हम लोग को इधर से आने को बहुत तकलीफ हुआ। अभी इधर रेशन नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, बोल के इधर से हम लोग चल के आया। अभी हम गया 15 दिन हुआ इधर काम करने को। 3 दिन से चलते आ रहे हैं आप, 15 दिन हो गया? 15 दिन इधर गाँव में पहुंचा हम लोग काम करने को। अभी इधर काम, अभी 4 दिन काम किया है। अभी रूम का भाड़ा नहीं, अभी खाना को पैसे नहीं, बोल के हम लोग बाद में इधर क्या है बोल के चल के आ रहे हैं हम गाँव से। अब आप किस गांव के हैं और कहां पर जा रहे हैं आप? अभी हम मुद्देबड़ जा रहे हैं, उलुगबड़ मुद्दे बिहार बीजापुर। सर, न्यू मैसर एंट्री सर, सर मुद्दापुर ನೀವು ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಿ? ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಿ ಸರ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಕ ಬರೋಲ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ತೊಡೆಯಲ್ಲ ಸೆಲ್ತ್ ನಡಕ ಬರೋಲ್ರಿ, ಈಗ ಆನಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಪ್ ಕಿತ್ನೆ ಲೋಗ್ ಹೇ ಸರ್? ಹಮಲಕ 60 ಲೋಗ್ ಹೇ। 60 लोग हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। और ये हुकूमत को देखना चाहिए कि किस कदर एक तकलीफ़ के अंदर लोग आज सड़कों पर चल रहे हैं। कोरोना तो खैर दूर की बात है, लेकिन ये भूखमरी से मरने की कगार पर पहुँचे हुए हैं। चलते आए हैं, उनके पाँव भी दर्द हो रहे हैं। अब उनके अंदर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि वो आगे चल सके, खाना तक नहीं मिला, ये उनकी फरियाद है। लिहाजा अब हुकूमत इनकी फरियाद को सुनते हुए कुछ इनका इंतजाम करती है या देखना है। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಅಂತ ಊರು ಸರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಏನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಯಾರ ಸರ್, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮದವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಹೋಗು ಹೋಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಸ್ಯಾರ ರೀ. ಹ್ಞೂ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಚೆಕಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ ರೀ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಾರ್ರಿ, ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ್ಸ್ಯಾರ ರೀ. ಗೋವಾ ಯಾವ ಊರ್ದಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಟಿಸ್ಗರ್ಲಿಂದ, ಟಿಸ್ಗರ್ಲಿಂದ. ಹಾಂ, ಮಾಪ್ಸ್ ದೇಕಮ್ಕು 4 ದಿನ ಸೆ ಚಲ್ ಕೆ ಆಯಾ, 2 ದಿನ ಖಾನಾ ಖಾಯಾ ಔರ್ 2 ದಿನ ಖಾನಾ ನಹೀಂ ಮಿಲಾ. ಆಜ ಸುಬಹ ಕಿ ಉಧರ್ ಖಾನಾ ದಿಯೆ ಹಮ್ಕೋ ಬೋಲೇ 2 ಘಂಟಾ ರೆಸ್ಟ್ ಕರೋ, ಬಾದ ಮೇ ಗಾಂವ್ ಛೋಡ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಅಭಿ ಬೋಲ್ ರಹೇ ವಾಪಸ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಜಾಓ, ಗೋವಾ ಜಾಓ ಬೋಲ್ತೆ ಹಮ್ಕೋ ಉಧರ್ ರಾತ್ ಕೋ ಮಾರಾ ಹೈ, औरत को 2 औरत को मारा है और एक पीस को देख उसका अफवाह देख ऐसा मारा है। हम लोग अगर वापस गाँव में जाओ बोला तो हम लोग किधर मरेगा, लेकिन गाँव में नहीं जाएगा, नहीं तो पानी में हमको किधर भी फेंक दो। हम लोग हमको मैं गाड़ी चलाता है गाँव में हमारा पात्र बोला 3 महीने मत आओ इधर, खाली 1000 पैसा दिया, इसलिए हम लोग चल के आए, बस भी नहीं है।
इधर कुछ कोशिश किया तो हम शाम तक रुकते हैं, अब देखो बाद में क्या करेगा। हम लोग तो गांव में नहीं जाए उतना मारे। देखो उसका पाव आपको कौन बोला कि गांव में जाओ? नहीं ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग नहीं जाने वाले। नहीं 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 हमको नहीं होगा, मरेगा हम लोग की तरह जाट पे सब लोग, हमको नहीं जाए। बहुत बड़ी बात कह रही है कि वो हम जान दे देंगे लेकिन गोवा की तरफ नहीं जाएंगे। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप गोवा चले जाओ और आप वापस चले जाओ, इस तरफ मत जाओ, लेकिन इनका गांव है कि मुद्दे बिहार के करीब इनका गांव है तो वो अपने गांव जाना चाहते हैं लेकिन इनका जाने का कोई इंतजाम नहीं है। एलोदार गईट मकल बुटी रही ऊरा घाट कुशन तक बंदी रही वाटे कुल रही बेस्तर बोल गव बुटी रही यार व्यवस्था मिली इवत बंद ऊट माव ना ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ದು ಕುಂತು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಾರ ಮಾಡೋ ಹೊರತಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿ, ನಾವು ಅಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ನಮಗೆ ನಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಕಾಲು ಗುಳ್ಳೆದವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಾರ ರೀ? ಪೊಲೀಸ್ರು ಹೊಡೆದಾರ ರೀ, ಹೊಡೆದಾರ ನಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ತೆಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಅಳ್ತತ್ತು ರೀ ನನ್ನ ಕೂಸು. ಇನ್ಕಾ ಕಹನಾ ಹಿಕ್ಕಿ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ನೆ ಇನ್ನೇ ಬೇರಹಮಿ ಸೆ ಪೀಟಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಇನ್ಕೆ पाँव पर भी निशान देख सकते हैं, छोटे बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और पुलिस ने उनको पीटा है ऐसा उनका कहना है। वाइल्ड वादर नमग यार करकदल रे और बारे घाटी मंदी लिटकदल अंतर रे और वट ना वरग हाकर ना बंदी रे उंडिल रे नमग उना कूटिल रे इल्ले बंद ऊट माडिव रे इवत ना मूर दिन सर ऊट अंतर रे मूर दिन आयत रे चाय इल्ल रे ओंद एने सर मग ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ ಮೂರು ದಿನ ಸತ್ತ ಸರ್ ನಾನು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಂದ ನನಗೆ ಉಂಡಿರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಗಾಡಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರು. इनका कहना है कि गोवा पुलिस ने बेरहमी से इन्हें पीटा है, इन पर जुल्म ज़्यादती की हुई है, वो अपने निशानात भी दिखा रहे हैं, लिहाजा ये वाकई सोचने की बात है कि जो ये मज़दूर हैं दिहाड़ी मज़दूर जिनको खाने का इंतज़ाम नहीं है वो वहाँ से पैदल चले हैं, तकरीबन तीन दिन चलकर वो बेलगाम पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि बेलगाम शहर में पहुँच कर ही हमें खाना मैसर हुआ है, तो ये किस कदर इन पर ज़्यादती होती है ये भी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान करने से नहीं होता बल्कि सड़क पर कितनी जिंदगियां आज भी सिसक रही है इसका उन्हें एहसास होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अंगड़ी सर, ग्राम पंचायत मेंबर बाड़े कुंदरी, पंत बाड़े कुंदरी, तो उन्होंने उनका इंतज़ाम किया है। सर ये आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, जो मजदूर लोगों के लिए यहाँ पर आपने खाने पीने का इंतज़ाम किया, तो आप इसके बारे में ये नहीं सर और ये नहीं पाप और होगी और मुटबेकंत और आशेव अदन ना पालस हसुवंत बंदर हसुवंत बंद चाह काफी बिस्किट गिस्किट ना को ಊಟ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಗೂಡು ಸೇರಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ. अंगड़ी साहब का कहना है कि किसी तरह से वो अपने मकाम तक पहुँचे, अपने घर तक पहुँचे, यही हम उम्मीद करते हैं, यही कोशिश करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों की तरफ वो तवज्जो दे और इनके लिए इंतज़ाम करे ताकि इन गरीबों की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और ये भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है, जो ये बीमारी का बहाना बता रहे हैं यह गरीबों से नहीं फैलती बल्कि अमीरों से फैलती है, यह उसका एहसास भी उन्हें होने की ज़रूरत है। ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಇವರು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ನಡ್ಕೋತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಗೋವಾದಿಂದ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಕಿಸ್ कैसे हुआ है उन्हें पता नहीं कि जबकि चेक पोस्ट होते हैं सरहद के ऊपर पुलिस भी तैनात होती है उसके बावजूद भी वो तमाम सरहदों को पार कर इस यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे हैं, या तो उन्होंने किसी दूसरे रास्ता का सहारा लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं ऐसा उनका कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मुल्ला साहब और जो गोवा से जो पैदल चलते आए तकरीबन अभी वो 500 किलोमीटर दूर तक चलते जाने वाले हैं, अब गोवा से वो यहाँ तक चलते आए तीन दिन, वो यूरिया दुकान इनके सामने ही है
और इन्होंने उनकी खिदमत अंजाम दिए। बताओ कि कैसा हुआ, क्या हुआ सुबह? सुबह हमें इधर रुके थे दुकान शॉप में, तो उधर से लोगों को देखे तो बहुत चल रहे थे, आ रहे थे, तो उनको पूछा गया कि किधर से आ रहे बोल के, तो बोले एक 150 किलोमीटर से चल लेते आ रहे, तो इधर ही उनको नाश्ता पानी दिया गया। बाद में मेरे पास जो नारियल थे वो उनको सबको दे दिया मैंने, फ्री में उनके वास्ते दे दिया पूरा। क्या भूखे थे वो? भूखे थे, पापा रो रहे थे कि हमारे लिए कुछ भी है ये नहीं, दो दिन से भूखे है और दो दिन से चलते हुए आ रहे पापा। दो दिन से भूखे थे, यहाँ चाकू यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं।